पहले दो या तीन लेक्चर्स किए अपन ने, जिसमें अपन ने कैपिटल इंपॉर्टेंट टर्म्स समझे, कैपिटल, ड्राइंग्स, गुड्स, असेट्स, लाइबिलिटीज़, टाइप्स ऑफ असेट भी सीखे, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़ भी सीखे। टाइप्स ऑफ असेट बोला था मैंने, फिक्स असेट, करंट असेट, करंट लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी सीखे थे। अगर एग्जांपल आपको और लिखना है उसमें कुछ, तो कोई भी बुक उठा लो, किसमें फिक्स असेट के अंदर एक टाइप्स ऑफ असेट था, टाइप्स ऑफ असेट में करंट असेट और फिक्स असेट था। तो फिक्स असेट में अगर एग्जांपल लिखना है तो लिख सकते, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी बुक उठा के देख लो, ये उसमें एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और करंट असेट में और लिखना है तो कैश लिख सकते, बैंक बैलेंस लिख सकते, और थोड़े एग्जांपल लिख सकते, ठीक है। आज अपन इतना इम्पोर्टेंट, आज अपन स्टार्ट कर रहे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जिसमें क्या है, दो टाइप के अकाउंट रहते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा क्या है, इम्पर्सनल अकाउंट। पहले कि मैंने चार्ट कैसा बनाया है देख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में तीन, नेचुरल, आर्टिफिशियल और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। इम्पर्सनल में दो, एक रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल। रियल में टेंजिबल, दूसरा इंटेंजिबल। नॉमिनल में एक्सपेंसेस और इनकम्स, ठीक है। अपन ने क्या माने थे, अपना बिजनेस क्या है, बाहुबली मिल्क सेंटर है। तो कोई भी बिजनेस बाहुबली क्या है, कोई भी बिजनेस दुनिया का उठा लो, इसके बाहर जाने वाला नहीं है, इसके बाहर नहीं जाने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, अगर अपने को समझ गया आज तो कभी भी ज़िंदगी में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये मैं बॉन्ड पेपर पे लिख के दे रहा हूँ कि कभी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं अकाउंट में, ठीक है। एक एक स्टार्ट करते हैं अपन। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में क्या बोला उसने, नेचुरल। नेचुरल मतलब क्या, कुदरती जो चीज़ें जिसको गॉड ने बनाया। तो ये बाहुबली पहले तो अपना बिजनेस है, क्या ये नेचुरल पर्सन है ना, बाहुबली मैं हो गया, आप हो गए, क्या हुआ, नेचुरल पर्सन है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स, बाहुबली किस, मैंने एग्जांपल लिखा इसमें, बाहुबली एस के फैसल सर, ठीक है। मैं भी क्या हूँ, एक नेचुरल हूँ। आपका नाम क्या है, हुज़ैफ, ठीक है। एस आर के, ये तो सबको मालूम है, ये क्या होगा सब, नेचुरल पर्सन। अंबानी, अंबानी भाऊ, ये भी क्या होगा सब, नेचुरल पर्सन। समझा है नेचुरल पर्सन का मतलब। अब देखो आर्टिफिशियल, जिसको क्या ह्यूमन बींग्स ने बनाया, जिसको किसने बनाया, इंसान ने। और हर चीज़ नहीं, इसमें अभी मैं मेंशन कर रहा क्या क्या आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। देखो अपना बिजनेस कौन सा था, नाम क्या था, बाहुबली, बाहुबली मिल्क सेंटर, ये इधर आ जाएगा। समझा, ये समझा गए, बिजनेस मैन अलग है और बिजनेस अलग चीज़ है, दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ है। बिजनेस मैन इधर है और उसका बिजनेस इधर है, कंसेप्ट समझा, बिजनेस अलग चीज़ है और बिजनेस मैन अलग चीज़ है। अब जैसा मैं कोचिंग बंद करके जा रहा हूँ तो ये बिजनेस मेरे पीछे पीछे आता है नहीं, तो इसका मतलब इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि बिजनेस अलग चीज़ है और बिजनेसमैन एक अलग चीज़ है। हाँ, अपने बिजनेस इन, अच्छा मेरे बिजनेस का, मेरा नाम क्या है, अपना एस के फैसल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरे बिजनेस का नाम एफ आर कॉमर्स क्लासेस, एफ आर कॉमर्स क्लासेस। मैं इधर हूँ, मेरा बिजनेस इधर है। अंबानी भाव, इनका बिजनेस इन्हों इधर है, तो रिलायंस किधर रहेगा, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, वो इधर आ जाएगी। समझा इसका मतलब। अब इसमें कुछ अदर्स भी आ जाते हैं बैंक्स, जैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, तो ये बैंक्स आ जाएंगे। यूनिवर्सिटीज़, कोई भी यूनिवर्सिटीज़ जो रहती है, तो वो भी इधर आ जाएंगे। और एक दो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इससे ये समझ जाना है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंट मतलब किसी और को रिप्रेजेंट कर रही वो चीज़ें, जैसा उसे समझ में नहीं आ रहा, ग्रुप ऑफ थिंग्स, उससे समझ में आ नहीं रहा है। आउटस्टैंडिंग, जैसा रिसीवेबल, किसी से पैसा आना बाकी है, डेटर क्रेडिटर के टाइम पे बोला था पिछले दूसरे लेक्चर में, रिसीवेबल किससे पैसे आना बाकी है, और पेबल मतलब किसी को पैसे देना बाकी है, तो वो चीज़ें मतलब किसी को भी देना बाकी हो सकती है, आना बाकी हो सकती है, तो वो किधर आ जाएगी, रिप्रेजेंटेटिव। इसमें एग्जांपल लिखा मैंने, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ठीक है। ये हो गया कौन सा, अपना पर्सनल अकाउंट। अब मैं इधर आ रहा हूँ इम पर्सनल पे,
ठीक है। अब अपने बाहुबली अपना बिजनेस कौन सा है, बाहुबली मिल्क सेंटर, उसमें भी ये चीज़ें होंगी पूरी, ठीक है। अब फिर इम्पर्सनल में रियल और एक दूसरा नॉमिनल, रियल में दो टेंजिबल और इंटेंजिबल। अब ये क्या है, रियल में पूरे असेट्स आ जाते हैं, रियल में पूरे 99% क्या होते हैं, असेट्स आते हैं। असेट बोले थे ना अपन ने, जिसको प्रॉपर्टीज, एक टेंजिबल जो दिखती और दूसरी जो नहीं दिखती, इंटेंजिबल जो नहीं दिखती। टेंजिबल में क्या है, कैश, कैश भी दिखती, बैंक बैलेंस, बैंक में भी तो पैसा ही रहता ना। हाँ, ये बैंक में और ये बैंक बैलेंस में फ़र्क है, ये बैंक का नाम है SBI, SBH, SBI सपोज, SBH तो वो इसमें आ गई, SBI और कौन सी बैंक्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसको मैं बॉम्ब लिख रहा, बॉम्ब नहीं है ना, तो बोलेंगे बॉम्ब क्या है ये, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक अलग है और बैंक बैलेंस अलग चीज़ है, बैंक में जो पैसे रहते वो बोल रहा मैं, ये क्या हो जाती है, असेट हो जाती। फर्नीचर क्या है, असेट है, और ये तीनों हमेशा असेट रहेंगी क्या, मैंने दूसरे लेक्चर में बोला था, अगर वो बिजनेसमैन का गुड्स है, वो अगर वो उसमें खरीद रहा बेच रहा, तो उसकी क्या हो जाएगी, गुड्स हो जाएंगी। हाँ, मशीनरीज, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब क्या है, असेट है, और हमेशा असेट रहेंगी क्या, नहीं, अगर वो उसका बिजनेस रहेगा तो जब क्या बन जाती, वो गुड्स बन जाती। बिजनेस मतलब वो खरीद रहा बेच रहा, उसको अपन ने क्या बोले थे, गुड्स को जो खरीदता बेचता उसको क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। मशीनरी, ये फर्नीचर अगर वो खरीद रहा बेच रहा तो असेट रहेंगी क्या, असेट रहेंगी क्या, वो नहीं, फिर वो गुड्स बन जाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी अपन एग्जाम्पल में ऐसा ले, ऐसा माइंड में फिट मत करो कि वो हमेशा असेट रहेंगी बोल के, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो है हमेशा असेट रह सकते हैं, ठीक है, 99%। इंटेंजिबल बुला लो ना, कौन है, ठीक है, हाँ, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल क्या है, जो नहीं दिखती, इसमें क्या है, गुडविल। गुडविल मतलब क्या, मतलब अपना नाम हो जाना बिजनेस में, क्या होना, एक नाम बन जाना। तो पहले दिन ही मैंने स्टार्ट करा अगर कोचिंग, तो पहले दिन नाम बन जाता क्या। अब अपन ये बाहुबली ने पहले दिन ही मिल्क का बिजनेस स्टार्ट करा, तो पहले दिन नाम हो गया होंगे क्या उसका, नहीं, 2-3 साल लगे, उसके बाद उसका क्या हुआ, एक नाम बना बिजनेस में, एक मार्केट में रेपुटेशन बना, क्या वर्ड है इसके, एक रेपुटेशन बना, तो वो क्या रहता, गुडविल रहता। ये हो गया टर्म ख़त्म। नॉमिनल में एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। एक नॉर्मल वर्ड में एक्सपेंसेस किसको बोलेंगे, बाहु, अपना बिजनेस कौन सा है, बाहुबली मिल्क सेंटर, इसमें एक्सपेंसेस क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया उसको, क्या आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन का बिल, ठीक है। अब बाहुबली ने हाथ के नीचे वर्कर रखा होगा तो उसको सैलरी दूंगा, तो सैलरी क्या हो गया, सैलरी पेड, एक्सपेंसेस हो गया। रेंट, अब दुकान अगर किराए पे लिया होगा या बिजनेस किराए पर लिया होगा उसने शॉप, तो रेंट पेड करेगा ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया होगा उसको, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ये भी क्या हो गया, एक्सपेंस। ऐसे हज़ारों एक्सपेंसेस है अब, तो वो समझ जाना है कि एक्सपेंसेस क्या चीज़ है, और एक्सपेंसेस का सही मतलब क्या है, ये सर्विसेज के अगेंस्ट में होता, क्या के अगेंस्ट में होता, सर्विसेस होती, और सर्विस कौन सी चीज़ रहती, इंटेंजिबल, स्टार्ट में सेकंड लेक्चर में बोला था, वो दिखती नहीं। ये सैलरी पेड करे तो ऐसा कुछ दिख रहा क्या, मतलब पैसे हैं लेकिन ऐसा कहीं सैलरी वर्ड में जब बोल रहा तो दिख रहा क्या, वो नहीं। रेंट ऐसा कहीं दिख रहा क्या, देखो तो रेंट दिख रहा, ढूंढो तो, अरे रेंट, अरे ये रेंट है क्या कहीं, नहीं। तो नॉमिनल का मतलब ही यही है कि वो चीज़ें दिखेंगी नहीं, मतलब वो चीज़ें जो इसके अंदर है वो दिखेंगी नहीं, उसका कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब अपने कस्टमर को डिस्काउंट देगा कौन, बाहुबली, डिस्काउंट, डिस्काउंट पेड या अलाउ बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डिस्काउंट दिया, ठीक है। अब वो जो दूध लेकर आया उसने, दूध जो लेकर आया तो हाथ में रख के लाएंगा क्या, वो नहीं ना, उसने ऑटो में लाया होगा, ऑटो वाले को किराया दिया होगा, वो किराए को क्या वर्ड बोलते हैं, फ्रेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अकाउंट की लैंग्वेज में फ्रेड बोलते, फ्रेड बोलते नहीं तो फिर कैरेज बोलते, क्या बोलते हैं, कैरेज बोलते, क्या बोलते हैं, कैरेज, ठीक है। और जैसे जैसे
मैं बोल रहा हूँ हज़ार, ये समझ गया एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। इनकम्स, इनकम को इसको उल्टा करते जाना आप। इनकम मतलब पैसा आएगा, एक्सपेंसेस मतलब पैसा जा रहा है, ठीक है। एक इनकम मतलब इनकम, ठीक है, इसको मैं उल्टा करता, इसको रिवर्स करता, अपोजिट करता इसको, है और क्या आ जाएगा इसमें, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट सूद ब्याज जो देते अपन, वो भी क्या हो रहा, एक्सपेंसेस हो रहा। अब इसको उल्टा किया मैंने तो इस पेड की जगह क्या आ जाएगा, रिसीव आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। इसको अगर रिवर्स करें तो डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव, मिला मतलब, मिला तो इनकम, दिए तो एक्सपेंस। रेंट मिल भी सकता, चल ठीक है, इतना समझ में आ गया इनकम। और एक चीज़ क्या है, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स, यहाँ पर सेल गुड्स आ जाएगा ना, परचेज करे तो क्या होगा, एक्सपेंस। परचेज गुड्स रियल भी है, परचेज गुड्स रियल में भी आता, और सेल गुड्स रियल में भी आता, और परचेज गुड्स एक्सपेंस में भी आता, और इनकम में भी आता। इनकम सेल क्या होंगी, अपनी इनकम है, बोल के क्या है, इनकम में आया। परचेज करे तो क्या होता, खर्चा होता, करके क्या हुआ, एक्सपेंस में आया, ठीक है। इतने क्लियर हुए। अब ये नीचे का, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। ये क्या है, खाली मैं आज समझा रहा नहीं, बस खाली लिख लेना बस, मैं इसको अलग से एक लेक्चर लूँगा, उसमें और डिटेल में इसको समझाने वाला हूँ, ठीक है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट क्या है, ये पर्सनल अकाउंट, दूसरा क्या है, रियल अकाउंट, तीसरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट, तीसरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या लिखे हुआ है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द, अभी मैं समझा रहा नहीं, अभी ये अपन समझ रहे नहीं, बस मैंने खाली लिख लिया, इसको मैं अलग से एक लेक्चर लूँगा और उसको और डिटेल में अपन समझेंगे। खाली लिख लो बस, ये जितने भी पर्सनल अकाउंट के आइटम है ना, ये इसको समझाने के लिए मेरे को ये लिखना पड़ा, ठीक है। ये जितने भी पर्सनल अकाउंट के, उसको कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल का, क्या लिखे हुआ, ये डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका क्या मतलब है, लिख लो, लिख लेना, जो ले रहा उसको डेबिट करो, जो दे रहा नीचे वाला, जो दे रहा उसको क्रेडिट करो। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा उसको डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा उसको क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट रियल का, ये रियल के नीचे लिखा मैंने, रियल के जितने भी आइटम है, टेंजिबल इनटेंजिबल, उसके वास्ते ये रूल लगेगा। नॉमिनल, नॉमिनल के वास्ते ये रूल लगेगा, ये आइटम्स को ये रूल लगेगा, ये आइटम्स को ये रूल लगेगा, और ये आइटम्स को ये रूल लगेगा, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, देखो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये डेबिट, डेबिट हाँ। क्रेडिट देखो ऑल इनकम्स एंड गेंस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस, तो ये क्रेडिट। अभी मैं नहीं समझा रहा हूँ, अभी अपना पार्ट क्या था, ऊपर का पार्ट था, बस मैंने बोला कि ये लिख लो अभी, ठीक है, अगले लेक्चर में इसको और डिटेल में अपन समझने वाले हैं, ठीक है। पूरा ये डिटेल में आएगा, मैं एक चीज़ समझूंगा, डेबिट किसको बोलते हैं, क्रेडिट किसको बोलते हैं, ठीक है, क्या है डेबिट वर्ड, क्रेडिट वर्ड क्या है, रिसीवर क्या है, गिवर क्या है, कम्स इन क्या है, गोज आउट क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, इनकम क्या है। अभी बस अपने क्या समझूंगा, इतना समझना, ठीक है, और इसके नीचे